गुड मॉर्निंग एंड मॉर्निंग, और आप सभी कैसे हैं? तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि कोरोना से हम कैसे बचे रह सकते हैं, कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले हमें करना है वो है कि हमें अपने आप को ज्यादा से ज्यादा अपने घर में रखना है। दैट मीन्स हमें घर से बाहर नहीं निकलना है। बेवजह क्यों घर से बाहर निकलना, जब हमें पता है कि ऐसी महामारी है जो दूसरों से आ रही है। तो प्लीज अपने अपने घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, बेवजह घर से बाहर मत निकलिए। इसके अलावा हमें करना है मास्क का इस्तेमाल। जी हाँ फ्रेंड्स, इस कोरोना से बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मास्क, क्योंकि ये मास्क ही हमें इस कोरोना के संक्रमण से बचाने में हेल्प करता है। और हमारे पास है हमारा ये प्रीमियम प्रोटेक्शन मास्क, आप देख सकते हैं, जो कि 5 लेयर प्रोटेक्शन देता है हमें। और आजकल डॉक्टर्स भी हमें सलाह दे रहे हैं कि आप डबल मास्क लगाएं, डबल लेयर मास्क लगाएं, ताकि कोरोना से बचाव हो सके। और हमारा ये जो मास्क, ये वायरस, बैक्टीरिया, डस्ट, पोल्यूशन सबको रोकता है। कोरोना के जो वायरसेस हैं उनको भी हमारे शरीर के अंदर आने से रोकता है। इसके अलावा ये इजीली ब्रीथेबल है, यानी हमको सांस लेने में भी घुटन महसूस नहीं होती है, तो ये बहुत ही जबरदस्त है। तो हमें मास्क को यूज करना है। इसके बाद बारी आती है सैनिटाइजर की, तो हमें अपने हाथों को सैनिटाइज करना है। और सैनिटाइजर हमें जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपके पास ये सैनिटाइजर हमेशा अपने पास रखिए, ताकि आप कुछ भी जब छूते हैं तो उस टाइम अपने हाथ को सैनिटाइज कर लिए। जब हम घर में आते हैं तो उस टाइम हमें सिर्फ सैनिटाइज नहीं करना है, बल्कि अपने हाथों को अच्छे से वॉश करना है। और वॉश करने के लिए हमें यूज करना है हमारा ये सोफोस का जो हैंड वॉश है, इसे यूज करना है, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल है। और सबसे अच्छी बात है कि ये पीएच बैलेंस्ड है, यानी ये हमारे हाथों को ड्राई नहीं होने देता है। बार बार हाथ धोना जरूरी है, तो अगर हम बार बार हाथ भी धोते हैं तो हमारा जो हाथ है वो ड्राई नहीं होता है। और सबसे अच्छी बात कि इससे सिर्फ हम हैंड वॉश ही नहीं कर सकते, बल्कि इससे हम बबल बाथ की तरह भी यूज कर सकते हैं और शावर जेल की तरह भी यूज कर सकते हैं। अब बारी है हमें अपने चीजों को सैनिटाइज करने के लिए, यानी आप जब घर से बाहर जाते हैं या सपोज आपके घर में कोई पार्सल आता है, कोई कुरियर सामान लेकर आता है, तो हमें उन चीजों को सैनिटाइज करना है। उसके लिए हमारे पास सबसे अच्छा सैनिटाइजर है, वो भी स्प्रे में अवेलेबल है। ये है जर्मी बस्ट एथेनॉल स्प्रे है, जो कि मल्टी सर्फेस डिसइंफेक्टेड स्प्रे है। और इससे हम अपने घर का कोई भी चीज इजीली डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। मींस इसको हम लोग सैनिटाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे आपके घर के सोफा हो, कुशन हो, कोई भी सामान बाहर से आ रहा है उसे कर सकते हैं, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है अपने घर को सैनिटाइज करने के लिए। तो घर को सैनिटाइज कैसे करेंगे? ऑब्वियसली घर में पोछा लगाएंगे, और पोछा लगाने के लिए हम यूज करेंगे स्टेरिक्लीन। सबसे मोस्ट पॉपुलर हमारे मोदीकेयर का प्रोडक्ट है स्टेरिक्लीन, जो कि बहुत चलता भी है। और सबसे अच्छी बात है कि ये 99.9% कीटाणुओं को मार देता है। और इससे हम सिर्फ अपने घर के फर्श को ही नहीं पोछ सकते, बल्कि अपने टॉयलेट में भी इसको हम डाल सकते हैं, बाथरूम में डाल सकते हैं, किचन की सफाई कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने खिड़की, दरवाजों, किचन सबको हम लोग पोछ सकते हैं, साफ कर सकते हैं। इससे जो भी वायरसेस होंगे, बैक्टीरिया होंगे, वो मर जाएंगे। साथ ही साथ आप अपने अगल बगल में भी इसे आप दे सकते हैं, ताकि वो लोग भी इसको यूज करके डिसइंफेक्टेड रहे। कोरोना के जो स्प्रेड है उसको कम करने में ये हेल्प करेगा। इसके बाद हमें क्या करना है, खुद के लिए एक और चीज इस्तेमाल करना है, वो है, अक्सर हम सभी को पता है कि हम फ्रूट और जो सब्जियां हैं वो बाहर से लाते हैं, घर में तो उगता नहीं है। तो जब वो बाहर से लाते हैं तो उनको भी हमें सैनिटाइज करना जरूरी है। लेकिन आप कहेंगे कि फलों और सब्जियों को कैसे सैनिटाइज करेंगे? उसके लिए भी सबसे अच्छा ऑप्शन है हमारे पास फ्रूवेज। इससे हम अपने फलों और सब्जियों को धो सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें जो भी केमिकल मिला हुआ है वो हमारे लिए खतरनाक नहीं है। उसे हम अगर अपने फलों सब्जियों को धोते हैं तो हमारे हेल्थ को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है।
क्या है कि देखिए मार्केट में जो भी फल सब्जियां आजकल मिल रही हैं, बहुत से लोग जाते हैं उसे छूकर लेते हैं। हम लोग भी छूकर कई बार लेते हैं कि अगर खराब है कोई फ्रूट या कोई सब्जी तो उसे हम अलग कर देते हैं और दूसरी अपने पसंद की सब्जी या फ्रूट उठाते हैं और फिर घर में लेकर आते हैं। तो इसी तरह दूसरे लोग भी छूते हैं और अगर वो पॉजिटिव है, उनमें अगर कोरोना के लक्षण है तो उसके जरिए वो उन सब्जियों पे फलों पे आ जाते हैं। और जब हम उसे डायरेक्ट घर ला रहे हैं और अगर बढ़िया से नहीं धोते हैं, सिर्फ पानी से वो कीटाणु नहीं मरता है, तो फिर कहीं ना कहीं वो हमें जाने अनजाने में इन्फेक्टेड कर रहा है, इन्फेक्शन बढ़ रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा है इन्फेक्शन को कम करने के लिए, कोरोना के स्प्रेड को कम करने के लिए। ये तो हो गई बाहरी चीजों से सुरक्षा, अब हमें अंदरूनी चीजों से भी सुरक्षा करनी है। और वो कौन कौन से चीजें हैं जिनसे हम अपने अंदर से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, और अगर हमारी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी तो ये कोरोना हमारा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हम अंदर से मजबूत हैं। तो ऑब्वियसली नॉर्मल सर्दी जुकाम भी अगर होता है तो हम उससे लड़ने में सक्षम होते हैं, हमें जल्दी ज्यादा परेशानी नहीं होती है। तो सबसे जो पहला काम हमें करना है वो है सुबह सुबह उठते ही हमें गुनगुना पानी पीना है। उसके साथ आप ले सकते हैं नोनी जूस या फिर आंवला जूस, आप अपने पसंद से कुछ भी ले सकते हैं। और अगर आपको आंवला जूस पसंद नहीं है, कड़वा लगता है, तो यहाँ पे सबसे अच्छा आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप आंवला टैबलेट यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है, जिन लोगों को आंवला जूस पसंद नहीं पड़ता है तो उन लोगों के लिए टैबलेट काफी अच्छा है। और अगर आप सप्लीमेंट के तौर पे भी नहीं लेना चाहते तो सबसे अच्छा मैं आपको बताऊं कि आपको विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिल जाएगा, और वो है ये आंवला कैंडी। आप देख सकते हैं ये आंवला कैंडी भी विटामिन सी युक्त है, क्योंकि ये पूरा आंवला है, हमें पता है। तो ये जो आंवला है एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, तो ये हमारे लिए काफी अच्छा है। तो हम यहाँ पे विटामिन सी के लिए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आंवला कैंडी को भी यूज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये बड़े बुजुर्ग बच्चे हर कोई ले सकता है, ये बहुत ही टेस्टी होता है और सबको पसंद आता है। इसके बाद हमें लेना है नोनी जूस। अगर आपको नोनी जूस नहीं पसंद है तो आप नोनी को टैबलेट फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे मुदिकेयर में नोनी जूस के साथ साथ नोनी टैबलेट भी अवेलेबल है। इसके अलावा हमें लेना है हल्दी टैबलेट। हल्दी टैबलेट अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारे जॉइंट्स के लिए अच्छा होता है, हमारे स्किन के लिए अच्छा होता है, क्योंकि हल्दी में पाया जाता है करक्यूमिन नामक एक कंपाउंड जो कि हमारे लिए काफी अच्छा होता है। और सिर्फ हल्दी को अगर हम सब्जी बनाकर खाते हैं, हल्दी पाउडर को यूज करते हैं, तो उससे वो प्रॉपर मात्रा में जितनी हमें चाहिए उतनी मात्रा में हमें नहीं मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम हल्दी को सप्लीमेंट के तौर पर यूज करते हैं तो एक अच्छी क्वांटिटी में हमें ये करक्यूमिन मिल जाता है, जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके अलावा चाहे तो आप दूध को गर्म करते समय उसमें एक चम्मच हल्दी मिलाइए और उसे बॉइल करिए, चाहे तो आप उसमें थोड़ा सा छुहारा भी मिला सकते हैं और फिर उस गर्म दूध को आप पीजिए। ये भी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए काफी अच्छा माना जाता है। आप इसमें चीनी का इस्तेमाल ना करें, गुड़ का इस्तेमाल करें, ये ज्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा आपको इसी हल्दी पाउडर को लेना है, पानी को बॉइल करना है, उसमें एक चुटकी हल्दी डालिए और उससे आप गार्गिल कर सकते हैं। और जब हम हल्दी के पानी से गार्गिल करते हैं तो हमारे गले में जो भी इन्फेक्शन होते हैं, वायरस बैक्टीरिया होते हैं, तो उनको ये हल्दी बहुत ही जल्दी मार देता है उस वायरस को, बैक्टीरिया को, और हमें इन्फेक्शन से आराम मिलता है, क्योंकि हल्दी को एंटी इन्फ्लेमेटरी के लिए भी जाना जाता है। इसमें बहुत ज्यादा जो हल्दी है ये मतलब एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है, एंटी वायरल होता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाता है, काफी हेल्पफुल हो जाता है। इसके अलावा हम ले सकते हैं तुलसी। तो तुलसी भी एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी वायरल है, तो तुलसी के सेवन से भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, तो आप तुलसी का भी यूज कर सकते। इसके अलावा हमें लेना है सुबह सुबह गार्लिक पर्ल। तो गार्लिक पर्ल जो है इसमें होता है एलिसन नामक कंपाउंड, जो कि हमें कफ, कोल्ड, फ्लू, एलर्जी से बचाता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है,
हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को अच्छा करता है, हमारी बीपी को कंट्रोल करता है। तो ये जो गार्लिक पर्ल है ये बहुत सारी प्रॉब्लम से हमें छुटकारा दिलाएगा। गार्लिक के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इसकी जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद हमें करना है क्या, अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है। अक्सर आजकल के मौसम में लोग बीमार पड़ रहे हैं और दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, तो वो दवाइयां, इसके अलावा जो खान पान है, वो सारी चीजें और पोल्यूशन सब हमारे शरीर के अंदर जा रहे हैं, टॉक्सिन्स बन रहे हैं, शरीर के अंदर गंदगी हो रही है और हमें बीमार करते हैं। तो ये जो टॉक्सिन्स है हमारे शरीर के अंदर से जब बाहर नहीं निकलेंगे तो ऑब्वियसली हम ज्यादा बीमार रहेंगे, हमारा शरीर अंदर से मजबूत भी नहीं रहेगा। तो हमें क्या करना है, अपने शरीर को डिटॉक्सीफाई करना है इस डिटॉक्स से, क्योंकि ये बना है 8 हर्बल जड़ी बूटियों को मिलाकर, और इससे हम अपने बॉडी को डिटॉक्सीफाई करते हैं तो ऑटोमेटिक जो हमारा पाचन तंत्र है वो सही हो जाती है, हमारा डाइजेशन सही हो जाता है। और किसी भी बीमारी का मेन कारण होता है डाइजेशन, हमारा डाइजेशन जब सही रहता है तो हम बहुत सी बीमारियों से ऑटोमेटिक छुटकारा पा सकते हैं। इसके बाद हमें लेना है बाफ, यानी स्टीम लेना है। तो स्टीम लेने के लिए हम क्या यूज करेंगे, टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल से हम स्टीम लेंगे और इससे क्या होगा कि हमारी जो सांसें हैं वो खुल जाती हैं, लंग्स में अगर जर्म्स है, बैक्टीरिया है तो वो बाहर निकल जाते हैं, मर जाते हैं। आप टी ट्री ऑयल से भी स्टीम ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास टी ट्री ऑयल अवेलेबल नहीं है तो आप अमृत शक्ति से भी स्टीम ले सकते हैं। अमृत शक्ति यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ, हमारा जो अमृत शक्ति है इसमें मिला होता है कपूर, अजवाइन, लौंग और पुदीना का सत्व। तो ये सारी चीजें हम जब स्टीम लेते हैं तो बहुत ही अच्छा काम करती हैं, इसका जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा आता है। कफ, कोल्ड, फ्लू में ये काफी रिलीफ देता है हमें। और हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, तो ये सारी चीजें तो हमें यूज करनी है। साथ ही साथ हमें यूज करना है च्यवनप्राश, जो कि कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है, क्योंकि कोरोना से बचने के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये हमारी इम्यूनिटी को अंदर से बढ़ा देता है और हम बहुत ही मजबूत रहते हैं अंदर से। इसके अलावा हमें इस्तेमाल करना है ग्रीन टी। तो ग्रीन टी जो है हमारा, ये फ्रूट ऑफ द अर्थ का ग्रीन टी बहुत ही अच्छा है, ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। और ग्रीन टी आप सभी को पता है कि हम सभी के लिए, हमारे हेल्थ के लिए काफी अच्छा माना जाता है। ग्रीन टी के ऊपर भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ग्रीन टी की पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा भी आपको एक और काम ये करना है कि आपको खाना खाने के बाद, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद एक मल्टीविटामिन जरूर लेना है। क्योंकि देखिए, जो मल्टीविटामिन है ये सिर्फ हमें मजबूती ही नहीं देगा बल्कि हमारे बॉडी को अंदर से स्ट्रांग करेगा। क्योंकि अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, हर किसी के पास प्रॉपर तरीके से भरपूर मात्रा में सब्जियां और फ्रूट्स अवेलेबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। हम ग्रीन वेजिटेबल्स का यूज नहीं कर पा रहे हैं, फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें अगर मल्टीविटामिन हम अगर खाते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए, हमारे हेल्थ के लिए काफी अच्छा हो जाता है, हम जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। क्योंकि ये जो मल्टीविटामिन है ये हमारे न्यूट्रिशनल गैप की कमी को पूरा करता है, यानी खाना खाने के बाद भी जिन पोषक तत्वों की कमी रह जाती है हमारे शरीर के अंदर, ये उसको पूरा करने में हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, ये आज का वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।